नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए 300 बसों को रवाना किया है, तब से वो लगातार हर किसी के निशाने पर हैं। पहले योगी की मंशा पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हमला बोला, तो अब इस कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम भी जुड़ गया है। अखिलेश ने योगी सरकार से तीखा सवाल करते हुए पूछा कि कोरोना वायरस के संक्रमण तथा लॉकडाउन के रहते दूसरे राज्य के छात्रों को अपने यहाँ लाने का क्या दुख है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को अपने राज्य की जनता से यदि इतनी ज्यादा हमदर्दी है, तो यहाँ के वो लोग जो दूसरे राज्यों में भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ इस तरह का लचीलापन क्यों नहीं दिखाया जा रहा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश ने राजस्थान से 7,000 छात्रों को वापस लाए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूपी की भाजपा सरकार ऐसा कर दो मुहा काम कर रही है। बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की करीब 700 बसों से राजस्थान के कोटा में फंसे 7,000 छात्रों को लाने को निर्देशित किया है। यही सवाल नीतीश कुमार ने भी किया कि ये अगर राज्य सरकारें ऐसा करने लगी तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब रह जाएगा। वैसे अभी तक यूपी सरकार की तरफ से इस तरह के बयानों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि सूबे के सीएम इन नेताओं के बयानों पर क्या पलटवार करते हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश तो चलो विपक्षी दल के नेता हैं, उनका इस तरह से सवाल उठाना काफी हद तक सही है, लेकिन नीतीश ने जिस तरह से योगी सरकार पर हमला बोला है वो समझ से परे है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या केंद्र इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करती है या नहीं। धन्यवाद।